हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल सु क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक बार भारतीय राज व्यवस्था के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आए हुए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और आप किसी भी एग्जाम फील्ड की एग्ज़ाम आप दे रहे हों, चाहे SSC के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, या फिर हो जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हो, साथ ही जितने भी स्टेट PCS हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी भारतीय राज व्यवस्था के 4 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों यह जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज है, तो यह 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी पॉलिटी से बनने वाले क्वेश्चंस हैं सभी कुछ यहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि क्या संसद केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है? हाँ कर सकती है, नहीं कर सकती है, केवल अनुसूचित जनजाति बहुल वाले क्षेत्रों के लिए हो सकता है। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह होगा कि क्या संसद के शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है? तो हाँ बिल्कुल कर सकती है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? है ना, कोई राज्य है उसका जो टेरिटरी है, उसका जो एरिया है, कौन घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, राज्यसभा कर सकती है, फिर क्षेत्रीय परिषद कर सकती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, कि संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम किया जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा और संबंधित राज्य का विधानमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 2 का व 10वीं अनुसूची शामिल की गई? जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यहाँ पे 7 हैं, तो वो आपका 8 यूनियन टेरिटरीज होगा, है ना, 8 UTs हैं। ओके, तो अभी वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के किसी भू क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को हस्तांतरित करने के लिए क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? मीन्स ये है कि अगर कोई भी भारतीय क्षेत्र है और उस भारतीय क्षेत्र को कोई विदेशी राष्ट्र को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है, हस्तांतरित करना है, तो क्या उसमें संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है, हाँ होती है, नहीं होती है, कुछ विशेष मामलों में या कुछ निश्चित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर क होगा, कि हाँ बिल्कुल संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विदेशी राष्ट्र के भू क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? मतलब अगर किसी कोई विदेशी राष्ट्र है और उसको अगर भारतीय क्षेत्र के अंदर भारतीय टेरिटरी में उसको शामिल करना है, तो क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी? हाँ, नहीं, कुछ विशेष मामलों में या फिर अस्पष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का होगा, हाँ बिल्कुल होगा संवैधानिक संशोधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भू क्षेत्र को भारत में नौवीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया? तो बेरुबाड़ी है, किशनगंज है, माही है, कच्छ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, बेरुबाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था? सीमित रूप में, नहीं, केवल शिक्षितों को, केवल सरकारी कर्मचारियों को। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, सीमित रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस भूक्षेत्र को भारत में नौवीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया? तो बेरूबाड़ी है, किशनगंज है, माही है, कच्छ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, बेरूबाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था? समिति रूप में नहीं, केवल शिक्षितों को, केवल सरकारी कर्मचारियों को। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, समिति रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? चितरंजन दास की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में, या फिर मानवेंद्र नाथ राय की अध्यक्षता में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, मोतीलाल नेहरू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त हैं? राज्य एवं संघीय सरकार को, सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को, सभी नागरिकों को, या देश के सभी निवासियों को? मीन्स देश के सभी निवासियों में आपको फॉरेन भी आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा कि देश के सभी निवासियों को। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों, और साथ ही दोस्तों इसमें इतनी वेराइटीज है, इतने क्वेश्चंस हैं कि आप बिल्कुल अगर एक बार एंड तक देख लेंगे तो समझ लो कि आपसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले आपके एग्जाम में होंगे सभी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ओके, तो आप इसको एंड तक देखते रहें दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार हैं, सीमित हैं, असीमित हैं, अधिकांश सीमित हैं किंतु असीमित हैं, अधिकांश असीमित किंतु सीमित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि असीमित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार क्या हैं? तो दोस्तों असीमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारत की जनता को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं? नहीं प्राप्त हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं केवल मूल अधिकार के मामले में। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हाँ बिल्कुल प्राकृतिक अधिकार इनको प्राप्त हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 2, 3, 4, भाग 5 को। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ख होगा, भाग 3 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के प्रावधान अन्य किसी देश के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत हैं? हाँ, नहीं, निश्चित नहीं, या केवल कुछ मामलों में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, हाँ। तो हाँ, यह अन्य देश की तुलना में हमारे यहाँ के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनके प्रावधान हैं, वह अधिक विस्तृत हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 20 है, 21 है, 23 है, 25 है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ग होगा, 23। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? ओके, तो किस वर्ग में रखा जा सकता है दोस्तों? नकारात्मक रखा जा सकता है, सकारात्मक, अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक, अधिकांश सकारात्मक किंतु कुछ नकारात्मक। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ग होगा। ठीक है, कि अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक। ओके, कि मौलिक अधिकारों के उपयोग के संदर्भ में क्या भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों में विभेद किया गया है? हाँ, किया गया है, नहीं किया गया, केवल कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह विभेद स्पष्ट नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा कि केवल कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही जो भारतीय नागरिक है और जो गैर भारतीय नागरिक है उनमें विभेद किया गया है, उनके बीच अंतर किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? राजनीतिक एवं सामाजिक मौलिक अधिकारों पर, आर्थिक एवं सामाजिक, ऑप्शन सी है राजनीतिक एवं नैतिक, और ऑप्शन डी है राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में। तो किन अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा राजनीतिक और सामाजिक।
है ना। ये कोई दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो मौलिक अधिकारों पर जो सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि ये राजनीतिक और जो सामाजिक हैं वह सीधे व्यक्तियों पर, इनके जो व्यक्तियों के एक इनिशियल अधिकार होते हैं जिन पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है, तो केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मौलिक अधिकार सभी के लिए बाध्यकारी हैं, चाहे वह फिर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय निकाय हो, ये सभी के लिए इक्वल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर, किंतु भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय नागरिक क्या संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का आश्रय ले सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय राज्य के अगर कोई बाहर है, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर है किंतु भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय नागरिक क्या संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का आश्रय ले सकते हैं, हाँ नहीं, कुछ अपवादों को छोड़कर, हाँ केवल कुछ देशों में रहने वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल आश्रय ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकता है, संसद ले सकती है, रक्षा मंत्री ले सकते हैं या फिर भारत का सेना अध्यक्ष ले सकता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि संसद ले सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो किसी भी चीज़ में अगर निर्णय लेना है जो भारत के लिए हो, भारत के हित में हो, तो वहाँ सबसे जो सर्वोपरि होता है जिसका निर्णय वह संसद का ही होता है। ओके, क्योंकि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, प्रारंभ से ही है, पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, द्वितीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ग्यारहवीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर का होगा, प्रारंभ से ही है। ओके, प्रारंभ से ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका साथ है, नैतिक बल, न्यायिक बल, राजनैतिक बल, जनमत का बल। बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा न्यायिक बल। ठीक है, तो 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है साथ है तो न्यायिक बल का है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, कोई भी न्यायालय कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर का होगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर का, राष्ट्रपति कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, लोकसभा कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, संसद कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया था, 6 करवाया था, 7 करवाया था, 8 करवाया था, 9 करवाया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, 7 करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 43वें संवैधानिक संशोधन 1977 द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 45वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980 द्वारा। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, तो हम जानते हैं कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाकर 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया, जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई,
तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिए गए, जो समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आखिर संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था। अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, अनुच्छेद 19 में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अब संपत्ति का अधिकार केवल एक क्या रह गया है, प्राकृतिक अधिकार है, बौद्धिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सार्वजनिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि ये एक अब विधिक अधिकार है, ठीक है, रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद में निर्णय लिया। 1966, 1967, 1968, 1969। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो आपके सामने है वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, 1967 में। ओके।